आपको बताती हूँ कि वो ट्वीट क्या है। तो देखिए, मैंने जब ट्विटर ओपन किया तो पता ही चला कि हमारे जो फॉर्मर पाकिस्तान के फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हैं, उन्होंने IMF के हवाले से एक ट्वीट किया। अब जरा देखिएगा कि वो ट्वीट क्या है, तो फिर मैं बताऊंगी कि वो ट्वीट क्या है। आप जरा पहले अंदाजा कीजिए, जुबैर साहब ये लिखते हैं जनाब, तो जो हम प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हम हर 3 महीने के बाद अपनी फिजिबिलिटी इसको रिवाइज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन प्लान, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्राइसेस। तो यही है वजह कामयाब, ये सब किया है। या कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ में डील करने नहीं जा रहा। ओपन मार्केट से कम अज कम $5 अरब जो है वो उठा, न्यू लोन सिंपली बिकॉज पाकिस्तान हैज टू पे बैक $7.5 बिलियन आउटस्टैंडिंग IMF लोन। IMF does not give us new program. They won't get back their outstanding loan. If IMF doesn't give us new plan, new program, they won't get their back outstanding loan. So we are taking loan from IMF to pay back IMF. समझ आई आपको ट्वीट की? उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंपल से सादा सा फार्मूला बता दिया। सब हैरान और परेशान है कि ये क्या लिखा है। गवर्नर साहब जो है, फॉर्मर गवर्नर साहब जुबैर साहब, ये कह रहे हैं कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। IMF को कह रहे हैं वो कि IMF जो है वो जो हमें दे रहा है ये प्लान, उसमें तो हम उससे प्लान ले इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने उसको वापस करना है जो ऑलरेडी हमने उससे लोन लिया हुआ। तो अगर IMF हमें नया प्लान नहीं देता तो उसको वो पुराना लोन वापस ही नहीं मिलेगा जो हमने लिया हुआ, क्योंकि IMF को अपना पुराना लोन लेने के लिए हमें नया प्लान देना ही देना पड़ना है। सर देखिए क्या कमाल स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी मुलाहिजा करें, ये होती है स्ट्रेटजी। अकलमंद जो कमाल की नेशंस होती हैं, जो जबरदस्त, देखिए क्योंकि आप वो आप अगले को फंसा ले, आप कहें कि अच्छा एक ऐसे लूप में ले ले आप अगले को कि आप कहेंगे भाई अब तो तू निकल के दिखा, अब तुम निकल के जाके दिखाओ। क्योंकि देखिए IMF को भी पता है कि अगर जो है वो नहीं देते, IMF वाले पैसे नहीं देते पाकिस्तान को, तो क्या करेगा पाकिस्तान। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मिफ्ता इस्माइल है, उन्होंने कहा था कि भाई ये तो कोई हालात नहीं है निकलने के किसी भी चीज से, बहुत डार्क पिक्चर नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि हम जो अपना कर्जा वापस कर रहे हैं उसके लिए भी हम सूद ले रहे हैं, और सूद के लिए वापस करने के लिए भी हम कर्जा ले रहे हैं, तो ये भी एक लूप है। तो ये एक शैतानी चरखा है जो चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, एक बहुत ही विशियस साइकिल है ये या क्या है। तो उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने कहा बहन तुसी जो मर्जी कर लो, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा, क्योंकि जो आप लोन देंगे तो वापस करेंगे, नहीं देंगे तो ना पिछला लोन मिलेगा ना अगला लोन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। देखिए मैक्सिमम क्या डिफॉल्ट की बात की जाती है ना, तो वो वहां पे अब तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, हाँ तो ठीक है कितने कंट्रीज जो है वो दिवालिया उनका निकला, उसके बाद वो फिर से पॉम पर खड़े हो गए। तो बस यही है दास्तान। लेकिन जब आप कंपैरिजन करने पे आते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक तरफ जो है वो देखिए जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है, इंडिगो जो है वो कितने कितने परचेस कर रहा है और कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहां पे, जो खरीदारी होते हैं उससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता है उस खरीदारी से, और दूसरी तरफ जब वो कह रहे हैं कि IMF अगर पुराना लोन चाहिए तो अगला लोन देना पड़ेगा। ये है सूरत हाल, ये है सिचुएशन। तो बस देखिए, इस माली साल का जब बजट आया तो फेडरल गवर्नमेंट का ये एक तखमीना था कि उसको तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लेने पड़ेंगे, अपने जो कर्जे पहले लिए हुए थे वो मेच्योर थे उनकी वापसी के लिए, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग के लिए। अभी जो कामरान 9 माह का नंबर आया है वो उसमें जो उन्होंने फॉरेन लोन्स अभी तक लिए हैं रोल ओवर्स के अलावा, वो तकरीबन 9.7 अरब डॉलर के कर्ज लिए हैं। रफली आप कह सकते हैं कि इन्होंने मोर देन हाफ अभी तक ये मटेरियलाइज कर चुके हैं और सिर्फ 3 माह उसमें बाकी रह गया माली साल के खत्म होने में। एक उम्मीद ये थी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रोग्राम के साइन होने के बाद पाकिस्तान को बड़ी तादाद में कर्जे मिलेंगे, वो नहीं हो सका एक चीज। दूसरा, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो ये डिटर्मिन करते हैं कि किसी मुल्क के कर्ज में जब अगर आप उसको किसी मुल्क को कर्जा देंगे वो किस हद तक वो रिस्की है या नहीं, उन रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो डाउनग्रेड कर दी। मतलब उस रेटिंग के मुताबिक अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान अगर कोई कर्जा लेता है किसी फॉरेन कमर्शियल बैंक से, या यूरो बॉन्ड हम फ्लोट करके कोई भी सॉवरेन बॉन्ड फ्लोट करके कर्ज लेते हैं, तो उस कर्ज को इन रेटिंग एजेंसीज ने हाईली रिस्की कर्ज करार दिया। मतलब आपको इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा मिल जाएगा, मुनाफा आप ज्यादा कमा लेंगे, जरूरी नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान आपको पैसा वापस कर सके। तो ये उस रेटिंग के मुताबिक है ये चीज।
तो इसी वजह से तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो कर्ज एक एस्टिमेटेड था जो हुकूमत ने लेना था बॉन्ड्स को फ्लोट करके फॉरेन कमर्शियल बैंक से लेना था वो नहीं हो सका। इसके बारे में हम कई दफा तफसीली बात भी कर चुके हैं। तो यही वजह थी कि एक शॉर्टफॉल आया, 6 अरब डॉलर का ये शॉर्टफॉल आया। फिर इनका ये ख्याल था कि वर्ल्ड बैंक से इनको कोई तकरीबन मिल जाएगा, कोई 2.4 अरब डॉलर इनको वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी इनका कोई तखमीना था, कोई रफली इनको 2.1 बिलियन डॉलर का कर्जा मिल जाएगा। एडीबी ने नौमा में अभी तक इनको 35% दिया है कर्ज, मतलब इनका जो एडीबी से भी सिर्फ जो कर्ज आया वो कोई 657 मिलियन डॉलर एडीबी ने दिया है और तकरीबन 1433 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दिया। तो हर तरफ से जो एस्टिमेट्स थे उससे जो कम हुकूमत को पैसा मिला, अब उसके बाद आपके पास क्या चॉइसेस रह जाती थी? IMF आपको मुझे कर्ज उस तरीके से इतना बड़ा कर्ज नहीं देने को तैयार, वो छोटी अमाउंट आपको देना चाह रहा था, दी 3 अरब डॉलर की, नीड्स हमारी ज्यादा थी, वर्ल्ड बैंक से भी कम, एडीबी से भी कम और बाकी दो फॉरन जो मेजर कॉम्पोनेंट्स थे वहां से भी नहीं आया। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम किया वो उन्होंने जो इंटर बैंक मार्केट है वहां से उन्होंने जो मेरे जराए बता रहे हैं कम अज कम 5 से 5.5 अरब डॉलर अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मार्केट से खरीद चुका है। और ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी एक माली साल में इतने ज्यादा डॉलर्स मार्केट से नहीं खरीदे गए। ये गैर मामूली बात है, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। इसमें आप ये आप इस बात से अंदाजा लगा लेंगे कि अगर हम एवरेज 278 रुपए का भी रेट लें एक डॉलर का तो तकरीबन 1400 अरब रुपया चाहिए आपको इतनी बड़ी रकम खरीदने के लिए। ये मैं आपको कम अज कम नंबर दे रहा हूँ, कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ, जो जराए बता रहे हैं एक्चुअल जो फिगर है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पे बिल्कुल खामोश है। ये एक बड़ी यूनिक सी चीज हो रही है कि जो एक इस मामले में शफाफियत होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, डॉलर्स के खरीदने की अपने उसके प्रॉस भी अकाउंट्स भी हैं, वो अपनी जगह पे वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से डॉलर खरीद रही है तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि फिर सेंट्रल बैंक इसके ऊपर खामोश क्यों है, इसके ऊपर वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता ना कि 2019 के बाद से एटलीस्ट ऑन पेपर हमने IMF से कमिट करके रखा हुआ है कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। अब क्या जो डॉलर अगर आप स्टेट बैंक खरीदता है मार्केट से, क्या ये इनडायरेक्टली असर अंदाज होना है एक्सचेंज रेट के ऊपर? क्या ये IMF के मुआहदे की खिलाफवर्जी है या नहीं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खरीद सकता है डॉलर मार्केट से? देखिए, ये एक बड़ी ही यूनिक सी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट में डॉलर सेल करे, फरोख्त करे, ताकि रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम रहे, वो ना गिरे, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को उसके ऊपर एतराज होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप हमारे अपने रिजर्व्स नहीं है, उधार के रिजर्व्स लेके हम कोई पिछले कोई 10 सालों में शायद कोई 24 अरब डॉलर तक मार्केट में हम जो है वो पंप इन कर चुके हैं रुपए की कदर को मुस्तहकम करें। लेकिन इस तरीकों से आपको पता है कि रुपया मुस्तहकम नहीं होता। पीटीए के टाइम पे भी ये काम हुआ और ये जो शफाफियत वाला उसमें जो एक चीज होती थी ना कभी, उसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई, आपको याद है कि एक दफा हमने कहा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।